हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना बुटीक। और आज हम बनाएंगे एक स्ट्रेट कुर्ती पर रफल नेक बनाएंगे, जिसकी कटिंग मैं करूँगी और फिर स्टिचिंग करूँगी। हमने सिंपल सूट की कटिंग कर ली है कुर्ते की, और इसकी पहले हम नेक कटिंग करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ही हम रफल को कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सिंपल कुर्ता कटिंग किया है हमने, और इसकी नेक हम रखेंगे, नेक की लंबाई हम रखेंगे, इस पर बॉट नेक ही बनता है, तो 3.5 इंचीज हम लंबाई रखेंगे, और चौड़ाई में हम इसे 4.5 इंचीज का रखेंगे, और इसे हम बॉट नेक की शेप देंगे इस तरीके से। इसे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने गले की कटिंग कर ली है। ये हम जो हिस्सा है इसे हम अभी हम इसे संभाल के रखेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रफल कटिंग करेंगे। कुर्ती को हम हटा देते हैं, रफल कटिंग करनी है। ये हमारा कुर्ती में से बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम फोर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। हम अपनी 7 इंच की रफल निकालेंगे, तो हम यहाँ से देख लेंगे 7 इंची। यहाँ से हम पहले 7 इंचीज का मार्क लगा लेंगे। सबसे पहले कपड़े को फोर फोल्ड करेंगे, और जो हमारा ये हमने कटिंग निकाली थी बंद की साइड से हम इस तरीके से ही रखेंगे, जिस तरीके से हमारा ये है। और इस पे एक मार्क दे देंगे हम इस तरीके से। हम गले की शेप ही हम इस पे बनाएंगे, और हमें 7 इंचीज का रफल निकालना है, तो हम इसी मार्क से 7 7 इंचीज का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से, ये देखिए हमारा 7 इंचीज का निशान, यहाँ से हम 7 इंचीज का एक मार्क लगाते जाएंगे। एक राउंड शेप आ जाएगी, जो हमारी नेक की है वही हमारी रफल की शेप आएगी। इसे हम मिला लेंगे और इसी कटिंग देंगे। इसे कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम ये हमारा नेक का जो निशान है इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी रफल हमने निकाल ली है, ये देखिए इस तरीके से ये हमने हमारी रफल निकाली है। इसे हमें अटैच करके दिखाऊंगी कुर्ती पे, तो हम अब स्टिच करते हैं इसे। पहले हम ये हमारा अंदर का पार्ट इसे निकाल लेंगे कुर्ती में से। ये हमारी कुर्ती है, इसमें से हम अंदर का निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट वाले हिस्से में आर्म होल की कटिंग देनी है। हल्की सी देंगे क्योंकि ये कट स्लिप्स होगा, तो इसलिए हम एक कटिंग दे देंगे आर्म होल की इस तरीके से। अब हम इसका नेक बनाएंगे सबसे पहले। तो रफल सूट की स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले हम रफल को तैयार करेंगे। इसे हम ये जो हमारे तीरा है हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जॉइंट कर लेंगे इसे। ये हमने इसे राउंड शेप में जॉइंट कर लिया है यहाँ से, और अब हम इसी तरह से अपने मुड्डे को भी जॉइंट करेंगे कुर्ती के। फ्रंट और बैक हम जॉइंट कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है इसे स्टिच करने का, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है कुर्ता, एक डिजाइनर लुक आता है इसका। तो सबसे पहले हम इसके तीरे जॉइंट करेंगे। ये हमारे तीरे हमने जॉइंट कर लिए हैं कुर्ते के। अब हमें रफल में जो हमारा नीचे की साइड से उसे एक सिलाई हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, इसे
नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। राउंड शेप में ही फोल्ड होगा ये, इसे हम फोल्ड करते जाएंगे अच्छे से। ये हमने चारों तरफ से इसे फोल्ड कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे हम अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम कुर्ती को उल्टी तरफ से रखेंगे, उल्टी तरफ से हमें इसे जॉइंट करना है। कुर्ती को हम उल्टा रखेंगे और अपनी रफल को हम उल्टे पे सीधा की तरफ से रखेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे और हमारा जो जॉइंट है, ये मुड्डे का जॉइंट है, इसे हम रफल के जॉइंट से इस तरीके से मैच करेंगे और इस पर एक एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे राउंड शेप में। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ये देखिए हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरीके से हमें इसे जॉइंट करना है। एक पैर की सिलाई लगाएंगे अच्छे से। बस इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी कुर्ती उल्टी होनी चाहिए और हमारे रफल सीधी साइड उल्टी साइड की तरफ रखा होगा। इस तरीके से ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। इस तरीके से हम अपनी रफल को रखेंगे और इसे कुर्ती पर अटैच करेंगे। ये हमारा नेक पे से बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। आप चाहें तो इधर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन फालतू ले लेंगे रफल पे, तो हमारी यहाँ से इस तरीके से चुन्नट आ सकती है, वो भी बहुत अच्छा लुक आता है। पर ये मैं स्ट्रेट रखूंगी और अच्छे से हम इसे स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये हमारा राउंड शेप में हमने इसे स्टिच कर लिया है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से लुक आएगा। और हमें करना क्या है, रफल को हमें अंदर की तरफ, जो कि हमें सीधी साइड से फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए सीधी साइड से मैं करके दिखाती हूँ आपको। कुर्ते को हमने सीधा कर लिया है और हमारी जो रफल है उसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा सीधा जो हिस्सा है वो हमारा सीधी तरफ आ जाएगा। इस तरीके से हमारी रफल जॉइंट हो गई है। इस पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, एक पैर की नहीं लगा के हम किनारे किनारे पे इस पे सिलाई लगा देंगे। राउंड शेप में ही लगाएंगे अच्छे से, तो हमारी रफल इस तरीके से आएगी कुछ। ये देखिए ये हमारी रफल आ जाएगी इस तरीके से। पहले मैं सिलाई लगाती हूँ, इसे हम बिल्कुल कॉर्नर पे या एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सीधी तरफ रख के ही हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ से ये राउंड में है तो इसे थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए जाएंगे। हल्की सी आप मशीन उठाएंगे सुई को नीचे करके और इसे राउंड शेप में ही लेंगे। इस तरीके से हम अपनी नेक पर सिलाई लगाएंगे। तैयार कर लिए हमने कुर्ते की, अब हम इस पे फिटिंग लगाएंगे और हमारा ये रफल नेक कुर्ता हमारा तैयार है। और बहुत ही इजी है और बहुत अच्छा लुक आता है इसे पहनने के बाद। ये आप टॉप पे भी बना सकते हैं, जो आप जीन्स पे डाल सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसे घर में ही स्टिच कर सकते हैं। और ये हमारी रफल नेक कुर्ती तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।